राहुल गांधी की घोषणा अमेठी से होनी है, उसके पहले अमेठी में कांग्रेस कार्यालय में खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। जिस हिसाब से ये भी पता चल रहा है कि घोषणा होने के बाद पहले राहुल जी अयोध्या जाएंगे, राम दरबार, वहां राम जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद आकर के यहां पर 1 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। ऐसे में हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि क्या खुशी है राहुल जी को लेकर के, किस बात की चर्चा हो रही है। सर, राहुल जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने? राहुल जी का तो घर ये है ही है, आने और जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से दीपावली और ईद की खुशी होती है, अमेठी में उस तरह का जश्न है कि राहुल जी के कदमों का इंतज़ार है। राहुल जी के कदमों का इंतजार। चाचा, क्या नाम है आपका? इंद्र प्रसाद श्रीमाली मेरा नाम है। जी जी, राहुल जी की घोषणा बस कुछ ही घंटे बाकी है। अवश्य राहुल जी तुरंत आएंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे अपनी बार। भारी बहुमत से जीतेंगे, जनता चाहती है राहुल जी आवे और उनको जिताएंगे। दूसरी तरफ एक सुनने में ये भी आ रहा है कि राहुल जी पहले अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, उसके बाद उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, कहीं जा सकते हैं, तो उनका पूरा प्रदेश है, जा सकते हैं, पूरा प्रदेश है। अब बताइए कि किस तरीके से आप लोग चुनाव को मैनेज करेंगे, कैसे फील्ड में निकलेंगे, कैसे? चुनाव को जनता खुद मैनेज कर रही है, हम लोग कोई जरूरत नहीं करने के, खुद जनता चाह रही है कि बार वो राहुल जी आ रहे हैं, अच्छी तरह जीतेंगे। और हमारी जो सांसद महोदया है, ये खुद प्रचार कर रही है कि 26 को राहुल आ रहा है, 26 को राहुल आ रहा है, हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं, खुद प्रचार कर रही है, वो अपने आप कर रही है, उनको बार बार कह रहे हैं 26 को राहुल आ रहे हैं, 26 को राहुल आ रहे हैं, 26 को राहुल आ रहे हैं, खुद कह रही है। राम है, राजेश जी, राजेश जी क्या देख रहे हैं? राहुल जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो घोषणा चंद घंटे बाकी है। देखिए, ऐसा आते वो हैं जो बाहर के होते हैं, वो तो यहीं के हैं, उनका घर है, तो उनको आना नहीं है, उनका घर ही है, चाहे जब आए चाहे जब नामांकन करें, डरे वो जिनको हारना है, ठीक है, इसीलिए वो लगातार आरोप लगाती हैं, लगातार दौड़ रही हैं। हम लोग निश्चिंत हैं, इसलिए निश्चिंत हैं कि हमको जीतना है। देखिए, कांग्रेस को चुनाव जीतना है, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन आने वाला चुनाव जो है अमेठी का, जिसपे पूरे भारत की निगाहें, भारतवर्ष की निगाहें टिकी हुई हैं, जिस हिसाब से अमेठी और रायबली की सीट को लेकर के गांधी परिवार यहां से चुनाव लड़ने जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राहुल गांधी की घोषणा होने वाली है, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से। अरविंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।